लोकतंत्र का महाउत्सव आज से शुरू हो गया है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है और ये चुनाव की प्रक्रिया होने के पूरे होने तक लागू रहती है। अब आपको डिटेल में बताते हैं आदर्श आचार संहिता है क्या, इसके लागू होने के क्या नियम है, क्या है इनकी शर्तें, किन किन चीजों पर लग जाती है पाबंदी और आम लोगों पर इसका असर क्या होगा। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता पूरे देश में जबकि विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे राज्य में लागू होती है। दरअसल इलेक्शन कमीशन ने देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कुछ नियम बनाए हैं और चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श चुनाव आचार संहिता कहते हैं। अब आपको बताते हैं आचार संहिता के नियम क्या क्या है। दरअसल आदर्श आचार संहिता लागू होने पर कोई भी राजनीतिक पार्टी या नेता वोटरों को लुभाने के लिए अपने ऑफिशियल पोजीशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कोई भी पॉलिसी, प्रोजेक्ट या स्कीम से वोटरों को नहीं लुभाया जाएगा। सत्ताधारी दल चुनावों में सरकारी मशीनरी और ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते। मतदाताओं को पैसे बांटने पर भी उम्मीदवारों और किसी भी राजनीतिक पार्टियों पर एक्शन हो सकता है। इसके अलावा मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। आचार संहिता लागू होने पर कोई भी मंत्री या नेता किसी भी रूप में वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकते, किसी भी परियोजना या योजना की घोषणा नहीं की जा सकती है, यानी किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास इस दौरान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। चुनाव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े सभी अधिकारियों या पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर प्रतिबंध होगा। अगर इस दौरान किसी भी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग जरूरी मानी जाती है तो इसके लिए चुनाव आयोग की पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अखबारों और मीडिया में सरकारी खजाने की कीमत पर विज्ञापन जारी करना भी आचार संहिता के तहत अपराध माना जाता है। चुनाव प्रचार को लेकर कुछ और भी नियम हैं। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनसभाएं सुबह 6 बजे से पहले और रात 10 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकती हैं। इसके अलावा मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। मान लीजिए मतदान का दिन 15 जुलाई है और मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है तो जनसभा या जुलूस 13 जुलाई को शाम 5 बजे से बंद हो जाएंगे। अब बात ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल की। ओपिनियन पोल या एग्जिट पोल को लेकर भी चुनाव आयोग के नियम बनाए गए हैं। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने तक किसी भी तरह से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी दूसरी मीडिया की ओर से किसी भी तरह के जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के नतीजों को प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनावों के दौरान इन नियमों का पालन करना किसी भी सरकार, नेता या राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है। इन नियमों का उल्लंघन कोई भी नेता या राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। अगर कोई भी शख्स या राजनीतिक दल आचार संहिता के तहत नियमों का पालन नहीं करता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकता है। यहाँ तक कि प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है। साथ ही उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जा सकती है और दोषी पाए जाने पर प्रत्याशी को जेल भी हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है और चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ये कैसे लागू हो जाती है। लोकसभा चुनाव से जुड़े सभी वीडियो या खबरों को देखने के लिए देखते रहिए NBT ऑनलाइन।